माई फर्स्ट ड्रेस इज़ अ कैटरपिलर ड्रेस, माई सेकेंड ड्रेस इज़ अ कोकोन एंड थर्ड इज़ अ बटरफ्लाई ड्रेस। जब वो लोग चलते होते थे ना, उनके जो पाँव के निशानात है वो उस पर भी ब्लैक मैजिक कर दे होते थे। खाली जस्ट म्यूजिक नहीं होता, उसके अंदर बीट्स होती हैं। रीसाइक्लिंग में मैं ये चीज़ शो कराना चाहती हूँ कि किसी भी मटेरियल को वेस्ट करने से पहले हम लोग रीयूज़ किस तरह से कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में फैशन डिज़ाइनिंग के तलबा की थीसिस डिस्प्ले का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने मुनफरिद और दिलकश मलबूसात बनाकर सबके दिल जीत लिए। इसकी क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। My topic is William Morris. William Morris was a British artist and designer associated with the art and crafts in 19th century. William Morris inspired our nature of the beauty. और विलियम मॉरिस जो है वो लीव्स, बर्ड्स, प्लांट्स और इन चीज़ों से बहुत इंस्पायर था, जिस वजह से मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया। और ये ग्रीन कलर जो होता है नेचर को इंस्पायर करता है, इस वजह से मैंने अपने फैब्रिक ग्रीन कलर में ही चूज़ किए। My topic name is Give Yourself Time. Actually, it is the lifespan of a caterpillar. I divide my dresses into the three main stages. My first dress is a caterpillar dress. My second dress is a cocoon and third is a butterfly dress. Actually, the specialty in my dresses is कि मेरे जितने भी ड्रेसेज हैं वो हम साइकिल में चेंज कर सकते हैं। लाइक मेरा फर्स्ट ड्रेस सेकेंड गारमेंट में चेंज हो सकता है और जितने भी पार्ट्स हैं वो हम उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं और दोबारा लगा भी सकते हैं। मुझे रेड कलर बहुत अट्रैक्ट करता था और चाइनीज़ जो है उनका ट्रेडिशन कलर ओकेजन पे और उनके जो ट्रेडिशन जो होता है वो रेड कलर ही पहनते हैं न्यू ईयर पे और इवन ब्राइड्स भी। और वो गोल्ड का बहुत ज़्यादा, रेड एंड गोल्ड का कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से मैंने इनमें गोल्डन भी बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश की है। मेरी नज़र में जो स्टूडेंट के लिए एक्सपोजर है वो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना है। और ISP अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम स्टूडेंट्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौके मुहैया कर रहे होते हैं अपने जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर, अदारे के अंदर। और फैशन डिज़ाइनिंग हमारा एक डिपार्टमेंट ऐसा है, इट इज़ फास्टली ग्रोइंग एट द मोमेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग। इन्हीं में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इस वक्त भी बुटीक चला रहे हैं और फील्ड में भी इंट्रोड्यूस्ड हैं। इस तरीके से ये डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। फैशन में थोड़ा सा मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे काम देख के इतनी खुशी हुई है और रियली वांट टू अप्रिशिएट डॉक्टर मरीन कि उनके सुपरविजन में बच्चों ने इतना ज़बरदस्त काम किया है। उनकी एस्थेटिक सेंस इतनी अच्छी है। बाज़ ड्रेसेस तो ऐसे हैं कि ऐसे कि इनको इंटरनेशनली हम देखा जा सकता है कि उन्होंने बहुत अमेजिंग काम किया है। और सब स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से और अपनी ISP की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। जो टेल में कॉन्सेप्ट है वो इस वजह से है कि जो वो लोग उस टाइम पीरियड में जब वो लोग चलते होते थे ना, उनके जो पाँव के निशानात है वो उस पर भी ब्लैक मैजिक कर दे होते थे, तो इस वजह से वो टेल का कॉन्सेप्ट हमारा वहीं से चलता आ रहा है। वो लोग टेल यूज़ करते थे उसको छुपाने के लिए, उनको कवर करने के लिए। और जो मैंने इस ड्रेस में अपने साइंस यूज़ किए हैं वो मैजिक से रिलेट करते हुए किए हैं, मैजिक के साइंस हैं मेरे। म्यूज़िक को लेकर इंसान इमोशंस के साथ अटैच होकर कैसे एंगजाइटी, डिप्रेशंस और बहुत सी प्रॉब्लम से रिकवर कैसे करते हैं, इसको लेकर मैंने ये ड्रेसेस बनाए थे। म्यूज़िक इवन के खाली जस्ट म्यूज़िक नहीं होता, उसके अंदर बीट्स होती हैं, जैसे लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं ऐसे ही म्यूज़िक में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जैसे बीट्स हैं, अप्स भी होती है, डाउन्स भी होती हैं, लाइफ भी है, अप्स भी होती है, डाउन्स भी होती है। मेरा कॉन्सेप्ट है रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग में मैं ये चीज़ शो कराना चाहती हूँ कि किसी भी मटेरियल को वेस्ट करने से पहले हम लोग रीयूज़ किस तरह से कर सकते हैं। मटेरियल को रीयूज़ करके मैंने रीसाइक्लिंग में जूट को पिक किया। जूट वैसे तो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, लेकिन मैंने उसमें कॉटन थ्रेड को मिक्सअप करके
फैब्रिक खुद डिवेलप करवाया ताकि हम लोग उसे रेगुलर वे में यूज़ करना चाहें तो पहन सकते हैं। मेरा मेन कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे हमारा जैसे जैसे मशीनरीज आती जा रही हैं तो हमारा हैंडीक्राफ्ट ख़त्म होता जा रहा है। इनफैक्ट हम लोगों को ख़ुद भी नहीं पता कि हमारे मुल्तान में क्या क्या हैंडीक्राफ्ट हो रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। और हमारा फेमस हैंडीक्राफ्ट जैसे ब्लू पॉटरी है, तो मेरा आइडिया ये है कि अगर हम ब्लू पॉटरी को उठाएँ, उसको फ्यूचरिस्टिक नई जनरेशन के लिए, यानी ब्रिंगिंग द पास्ट इन टू फ्यूचर, ब्लू पॉटरी के प्रिंट को हम फ्यूचरिस्टिक वे में प्रेजेंट करें ताकि हमारी इस तरह से ब्लू पॉटरी भी प्रिजर्व रहे, हमारी सकाफत भी प्रिजर्व रहे और हमारा फैशन और इंडस्ट्री ये सब भी चलता रहे। मेरा टॉपिक है होलिस्टिक हीलिंग थ्रू आर्ट, ए वे टू एक्सप्रेस इमोशंस। उसमें ये है कि होलिस्टिकली हीलिंग जो होती है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि होलिस्टिक हीलिंग क्या होती है। होलिस्टिक हीलिंग इज़ ए मेथड दैट फोकसेस ऑन ए पर्सन एज ए होल रादर देन जस्ट ट्रीटिंग इट एज अ स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन। कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन नहीं होती है, ओवरऑल वेलबींग जो होती है इंसान की फ्रॉम हेड टू टो ये उसको डील करता है।